हेलो दोस्तों, पोकेमोन ट्रेनर बनने की जर्नी के एपिसोड 3 में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जाने वाले हैं मून माउंटेन के अंदर, जहाँ पे हम लोग ढूंढेंगे बहुत सारे नए नए फॉसिल फ्यूल जिनके अंदर से हमें मिल सकते हैं लेजेंडरी पोकेमोन्स। तो चलो जल्दी से चलते हैं अपने सफर में। दोस्तों हमें मिल चुका है बोल्डर पे, आज हम चलते हैं बाहर। ओए ये बंदा हमारी तरफ ऐसे क्यों आ रहा है? ओए कहिए वही बंदा तो नहीं जिसकी पाव भाजी लेके मसाओ भागा था? अरे अरे भाई साहब, सॉरी, वो पाव भाजी ना मैं चीता के कहने पे लेके भागा था। अरे टकले बच्चे, मैं तुम्हारी पाव भाजी के लिए नहीं आया हूँ। मुझे तुम्हारी पोकेमोन ट्रेनिंग काफी अच्छी लगी। मैं तो तुम्हें सलाह देने आया था कि ब्रॉक को कैसे हराना है, लेकिन मैंने देखा तुमने तो पहले ही जीत चुके हो। अरे बहुत बढ़िया बच्चे, ये लो 3 ग्रेट बॉल्स, ये तुम यूज कर सकते हो बहुत तगड़े पोकेमोन्स पकड़ने के लिए। आशा करता हूँ तुम्हारी पोकेमोन जर्नी अच्छी रहे। चलो मैं चलता हूँ बच्चे। अरे थैंक यू भैया। हाँ बाय बाय। चलो दोस्तों हम भी अपने सफर में आगे बढ़ते हैं। अरे हम तो रूट 3 पे आ गए, लगता है हम बहुत आगे आ चुके हैं। अरे दोस्तों लगता है चीता ने हमें फिर से रास्ता खुवा दिया। अरे इन भाई साहब से पूछते हैं, अरे भाई साहब रास्ता बताना। अरे आप तो बिल्कुल सही जगह आए हो, यहाँ से बिल्कुल सीधा निकल लो। अरे अंकल थैंक यू रास्ता बताने के लिए। दोस्तों लगता है हम लोग सही रास्ते में पहुँच गए। अरे बच्चों इधर आना। हाँ जी अंकल। अरे बच्चों यार मुझे बहुत तेज ना वॉशरूम आ रहा है, कहाँ करूँ? ये जो कजामा है ना उसके सर पे कर दो। अच्छा ठीक है बेटा। अरे नहीं नहीं, अबे पागल है क्या चीता? चलो दोस्तों रूट 4 पे आगे चलते हैं। अरे बच्चों इधर आओ। हाँ जी अंकल। तुम हो क्या वो डीमन पैलेट शहर से? हाँ जी अंकल। हाँ जी अंकल। आओ मेरे साथ एक मैच करो। पहले ही बता रहा हूँ बच्चों, मेरा म्याउथ तुम सबको हरा देगा। ये म्याउथ क्या है? अरे शिनचान ये एक बिल्ली पोकेमोन है और ये बहुत ताकतवर होती है। म्याउथ म्याउथ। ओ तो हमारा पोकेमोन भी बहुत ताकतवर है। ओए पिकाचू खत्म कर दे इसको। म्याउथ पेड़े। ये कौन सा अटैक है? अरे अरे शिनचान इसके एक अटैक ने तो पिकाचू की ऑलमोस्ट सारी शक्तियां खत्म कर दी। पिकाचू वापस आओ, पिजी जाओ। ओके पिजी गस्ट अटैक। ए पिजी का तो गस्ट अटैक भी फेल हो गया। म्याउथ फिर से पेड़े करो और इसको खत्म कर दो। ये क्या पिजी को एक नया मूव मिला? अरे ये तो मिरर अटैक है। अरे शिनचान मिरर अटैक यूज करो और पेड़े इसी के खिलाफ यूज कर ले। हाँ तू बिल्कुल सही कह रहे हैं पिजी, मिरर अटैक। अरे बच्चे मैंने तो ऐसा कभी होते हुए नहीं देखा। म्याउथ फिर से पेड़े करो। अरे ये क्या हुआ पिजी को, क्या हो गया? अरे ये क्या हो रहा है पिजी को? अरे पिजी फेंट हो गई। पिजी वापस आओ। ए शिनचान अब क्या करें? अरे ऑडिश को भेजते हैं, ऑडिश जाओ। अरे शिनचान हमारे तो ऑलमोस्ट सारे पोकेमोन ही खत्म हो गए हैं, सब इंजर्ड है। ऑडिश यूज अब्सॉर्ब अटैक। ए अब्सॉर्ब अटैक ने तो म्याउथ की ऑलमोस्ट सारी पावर अब्सॉर्ब कर दी है। म्याउथ पेड़े यूज करो और इस ऑडिश को खत्म कर दो। अरे ऑडिश तो अभी भी टिका हुआ है। ऑडिश एसिड अटैक। अरे बच्चों तुम पहले ऐसे इंसान हो जिसने मुझे हराया है, चलो बहुत बढ़िया। दोस्तों चलो जल्दी से पोकेमोन सेंटर चल के ये सारे पोकेमोन्स को ठीक करवा देते हैं। हाँ ठीक है कजामा, तू बिल्कुल सही कह रहे हैं। ए सारे पोकेमोन्स ठीक हो जाओ, मेरा मेटाबॉट भी ठीक हो जाए। ओए मेटाबॉट ने लड़ाई कौन सा किया जो वो ठीक हो जाए? ए चुप कर, ज्यादा जुबान मत लड़ा। ओए क्या बोला तूने? ए दोस्तों मैं ट्यूशन तो बहुत पढ़ता हूँ लेकिन आज मेरा मजाक करने का मूड है, चलो इस अंकल के साथ मजाक करते हैं। अरे अंकल हेलो हेलो, आज तक आप वो गोलगप्पे की दुकान ही ढूंढ रहे हो ना? हाँ बेटे मैं गोलगप्पे की दुकान ही ढूंढ रहा हूँ यार, मिल ही नहीं रही यार। अरे अंकल मैंने सुना है एक नई गोलगप्पे की दुकान खुली है नीचे। क्यों बेटे सच में? अभी जा रहा हूँ मैं वो गोलगप्पे ढूंढने। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अरे ये कौन सा पोकेमोन है? अरे शिनचान तो वही पोकेमोन है म्याउथ वाला। अरे शिनचान तो वही स्ट्रॉन्ग वाला पोकेमोन है, मैं तो कह रहा हूँ उसे पकड़ ले। अरे यार ये सो रहा है, मेरे को सोते हुए पोकेमोन पकड़ना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, वो मेरी उसूलों के खिलाफ है। अच्छा हाँ तू तो बहुत ही उसूलवादी इंसान है। दोस्तों हम फाइनली माउंट मून के अंदर आ गए। ए चलो फॉसिल फ्यूल ढूंढते हैं। अरे ये बंदर कौन है? चलो फॉसिल फ्यूल ढूंढते हैं। हाँ जेम्स। अरे बच्चे तू यहाँ क्या कर रहे हो? अरे आप बताओ आप यहाँ क्या कर रही हो? हम तो यहाँ पे फॉसिल फ्यूल चुराने आए थे। अरे ये कौन है? मैं हूँ म्याउथ और मैं हूँ टीम रॉकेट का मेंबर, हम लोग चुराते हैं पोकेमॉन्स। अरे ये तो पोकेमॉन चुराते हैं तो बहुत ही बुरी बात है, हम ना ऊपर जाके ना पुलिस वाले को बता देंगे कि ये लोग क्या क्या करते हैं। अरे दोस्तों मैंने तो जूबैट पकड़ लिया, ये तो मेरा फेवरेट पोकेमॉन है। ए दोस्तों देखो वहाँ पे पारस है, पारस। अरे कौन पारस? ए पोकेमॉन, ये पारस बेस्ट पोकेमॉन है, इसे पकड़ लो पकड़ लो। अरे भाई देखो ऐसे घटिया कीड़े वाले पोकेमोन क्यों पसंद आते हैं? ओए छोड़ो इस पारस को, चलो ओए जियो रूट पकड़ते हैं। ओए जियो रूट घुसन वाला पोकेमोन है, सबका मुंह तोड़ देगा, इसे पकड़ लो। पोकेबॉल जाओ। ओए इसने तो पोकेबॉल को ही घुसन मार दिया। ओ भाई मजा आ गया। अरे दोस्तों इस बार मैंने पोकेबॉल फेंकी, इस बार तो देखना 100% पकड़ा जाएगा। ए कुछ भी टकले। अरे पकड़ा गया, बहुत बढ़िया यार मसाओ। अरे दोस्तों हमारे पास 30 से ज्यादा पोकेमोन है, तो अब हम जियो रूट को अपनी टीम में रखे कि नहीं? और मैं तो कह रहा हूँ जियो रूट को अपनी टीम में रखते हैं, इस ककुना को बाहर निकालो और जियो रूट को उसके अंदर डालो। और क्योंकि ये ककुना पोकेमोन अभी किसी काम का नहीं है।
अरे दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ ये सुबैट को भी अंदर डाल देते हैं मेहताबाद की जगह। ए अधगंजे झोपड़ी मसाओ, चाहे मुझे निकाल दो टीम से लेकिन मेटाबॉट को मत निकालो। बुलबुल बुलबुल दो मेरा। अरे आंटी यहाँ पे भी आ गई। आंटी देखो आपका नाड़ा लटक रहा है। ओ नहीं मेरा नाड़ा कैसे लटक रहा है? अरे बच्चे तुम ऐसे भाग नहीं सकते। अरे ये टॉवल किसका सूख रहा है? अबे टॉवल नहीं सूख रहा बच्चे, मैं जैसी हूँ टीम रॉकेट से। अरे सॉरी सॉरी आंटी, गलती से बोने बोल दिया। अरे वो तूने ऐसे क्या बोल दिया, आंटी तो भाग गई, चलो हम भी चलते हैं यहाँ से। अरे ये कौन है? मैं हूँ जेम्स। अरे आप जब भी बात करते हो तो आप ऐसे क्यों कहते हो मैं हूँ जेम्स? ओ ये भी भाग गया। ए डाइपर कच्चा लंगोट का बच्चा। मेरे को नया पोकेमोन मिला है। अरे लगता है इस बार तो ये चार्जर्ड पकड़ के लाया ही होगा। आए आए इतने दिनों में से तूने एक खचड़े जैसा पोकेमोन पकड़ा है, हमें नहीं लेना, हम जा रहे हैं। चलो दोस्तों वहाँ चलते हैं। अरे 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 ये तो वही वाले अंकल है। अरे मुँह छुपाओ मुँह छुपाओ। बच्चे तुमने ही बोला था ना यहाँ गोलगप्पे या तो कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुमने मेरा गोलगप्पे खाने का मूड बिगाड़ दिया, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। अरे कजामा मैंने बोला था ना मत कर भाई, ये फालतू में हम बिठ जाएंगे। बच्चे अब तुम गए जाओ जियोडूड। अरे क्या हुआ, तुम लोग ऐसे हंस क्यों रहे हो? और दो मिनट में पता चल जाएगा गोलगप्पे वाले चाचा। अरे ऑडिश अब्सॉर्ब अटैक। अरे ये क्या हुआ, मेरा जियो रूट तो एक अटैक में ही मर गया। अरे यार पोकेमोन ट्रेनर से अच्छा मैं चाट पापड़ी वाला बन जाता। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। ए चलो, अरे ये कौन है? मियाव था मेरा नाम। और तुम हर दो मिनट में अपना इंट्रोडक्शन क्यों देने लग जाते हो, हमने पूछा थोड़ी है। अरे यार ये भी भाग गया भाई, ये कैसे भगोड़े लोग है। अरे ये कौन है? कलुआ। कलुआ बोला मैं हूँ कचड़ा। ये कैसे गंदे गंदे नाम है तुम्हारे? कचड़ा कुमार है मेरा नाम और मैं हराऊंगा तुम्हें, मैं हूँ टीम रॉकेट का सबसे सस्ता मेंबर। ओए ये कैसा घटिया सा पोकेमोन है, ड्राउजी ड्राउजी ड्राउजी। ओए हाथी का बच्चे को तो ठंडा शॉक ही मार देगा। अबे ठंडा शॉक नहीं होता, ठंडा शॉक होता है ड्राउजी हिप्नोसिस अटैक। ओ ये क्या हुआ पिकाचू को? अरे शिनचैन मुझे लगता है पिकाचू को नींद आ गई। अरे पिकाचू अटैक कैसे करेगा? ये ले मैं करता रहूंगा। अरे शिनचैन पिकाचू को वापस बुला और किसी और पोकेमोन को भेज। अरे मैंने पीजी को भेज दिया। अरे ये क्या कर रहा है? कंफ्यूज अटैक। अरे पीजी की तो सारी शक्तियां ही खत्म हो जा रही हैं। पीजी मिरर अटैक। ये क्या है, तुमने उसको कंफ्यूज कर दिया। अरे पीजी बहुत बढ़िया, वापिस आ जा, तेरा काम हो चुका है। अरे अब उसको भेज ऑडिश को। हाँ मैं अब ऑडिश को भेज रहा हूँ। ऑडिश अब्सॉर्ब अटैक। लगता है टीम रॉकेट का सस्ता मेंबर फिर से हार गया। ए दोस्तों पारस पारस पारस। अरे यार कौन है ये पारस? पकड़ो पारस को, पारस फेवरेट पोकेमोन है मेरा। ए पोकेबॉल जा। अरे तो भाग गया। अरे यार पारस तेरी तरह ही भगोड़ा है बिल्कुल, मेरे को नहीं पकड़ना है पारस, अगली बार मत बुलाइयो मेरे को। अरे दोस्तों देखो यहाँ पे टीम रॉकेट के सारे मेंबर खड़े हैं। अरे दोस्तों मैं तो कह रहा हूँ इनको इग्नोर करके चलते हैं वरना फिर से खुद का इंट्रोडक्शन देने लग जाएंगे। ओ यहाँ पे देखिए एक क्लिफेरी है। अरे ये तो कोई लेजेंडरी पोकेमोन है, मेरे को ये पकड़नी है। ए जल्दी से पकड़ शिनचैन। हाँ मैंने पोकेबॉल निकाल दी है। अरे ये तो बहुत ज्यादा हिल रही है, मैं कैसे पकड़ूं? अरे शिनचैन पकड़ यार, ये लेजेंडरी पोकेमोन हमारे पास होना ही चाहिए। हाँ भाई शिनचैन यार इसका जो बड़ा वर्जन होता है वो तो बहुत ज्यादा ताकतवर होता है। अरे दोस्तों आज तुम्हारा बहुत लकी दिन है, देखो सामने। अरे क्या हुआ वहाँ पे, क्या है? अरे देखो वहाँ पे क्लिफेबल है। अरे ये तो उसका बड़ा वर्जन है। अरे लेकिन इसको पकड़ना तो इम्पॉसिबल है। अरे शिनचैन उसको रास्पबेरी थी, क्या पता वो तेरी बात मान ले फिर। हाँ मैं ट्राई करता हूँ। अरे लेकिन अभी भी उसके बीच में रेडी आ रहा है, मतलब मैं पकड़ूंगा तो भी वो मेरी पोकेबॉल में कैद नहीं होगी। और शिनचैन थोड़ा और रास्पबेरी दे। अरे दोस्तों मैंने कितनी रास्पबेरी दे दी है, वो अभी तक पकड़ में ही नहीं आ रही, कैसी पागल पोकेमोन है। अरे शिनचैन ये कोई पागल पोकेमोन नहीं है, लेजेंडरी पोकेमोन है और लेजेंडरी पोकेमोन ऐसे नहीं आते। हाँ कजामा बिल्कुल सही कह रहा है, देख अभी फिर से बाहर आ गई। अरे दोस्तों तो फिर हम ऐसा करते हैं ना, हम ग्रेट बॉल यूज करते हैं इसको पकड़ने के लिए। हाँ जो हमें स्टार्टिंग में उन भैया ने दी थी। हाँ ठीक है ये वाली यूज कर लेते हैं। अरे शायद से इस बार पकड़ में आ जाए, क्या लगता है दोस्तों आप लोगों को? अबे शिनचैन ये तो फिर से बाहर आ गई। शिनचैन अब ये लास्ट है, अगर आप पकड़ में नहीं आए ना तो ये भाग जाएगी जैसे कि वो पारस भाग गया था। ए पारस के बारे में कुछ नहीं सुनूंगा मैं, गाइस काश पकड़ में आ जाए। अरे यस आ गई गाइस यस। अरे और बंदो 1000 बार लाइक कर दो। अरे दोस्तों अचानक से ये क्या हो रहा है? ओए लगता है मेहताबाद इवॉल्व हो रहा है। ए मेहताबाद नहीं मेटाबॉड यस। अरे लेकिन ये इवॉल्व किस में होगा? अरे पता नहीं। अरे चलो देखते हैं कितने मस्त है।
Congratulations, your Metapod evolved into Butterfree. अरे बहुत बढ़िया यार चीता, तेरा Metapod तो कितना अच्छा बन गया। ए हाँ बटरफ्री बन गया। ए दोस्तों देखो पारस, अबे चुप कर। अरे भाई साहब आप कौन हो? मैंने यहाँ पे दो लेजेंडरी पोकेमोन के फॉसिल्स ढूंढे हैं। ओए तो दो ढूंढे ना तूने, एक हमें दे। ठीक है अगर तुम लोग जीते तो मैं तुम्हें ये फॉसिल दे दूंगा। ओ तो शिनचान हमें जीतना ही होगा, हमें वो लेजेंडरी पोकेमोन चाहिए। जाओ वोल्ट्रोप, जाओ क्लिफेबल। वोल्ट्रोप यूज टैकल अटैक। अरे इसके टैकल अटैक ने तो क्लिफेबल को मार दिया बहुत ज्यादा। ए बटरफ्री जाओ शॉक अटैक। अरे बटरफ्री को भी बहुत ज्यादा मार दिया। अरे शिनचान अब क्या करे? अरे ऑडिश को भेजते हैं थंडरशॉक। अरे इसने तो ऑडिश को भी मार दिया। अरे यार ये तो मार ही जा रहा है। थंडरशॉक, ऑडिश एसिड अटैक। अरे शिनचान एसिड अटैक ने तो वोल्ट्रोप को बहुत ज्यादा डैमेज कर दिया, लेकिन उसके थंडरशॉक अटैक ने भी तो ऑडिश को कितना डैमेज कर दिया। ऑडिश अब्सॉर्ब अटैक। अरे बहुत बढ़िया, ऑडिश ने तो वोल्ट्रोप को हरा दिया। बच्चे तुमने मुझे कमजोर समझा क्या? मेरे पास मैग्नेमाइट भी है। अरे यार ये कौन सा पोकेमोन है? अरे बहुत तगड़ा पोकेमोन है। अब्सॉर्ब अटैक। अरे हमारा अब्सॉर्ब अटैक तो उसपे काम भी नहीं आया। टैकल अटैक। अरे शिनचान ऑडिश को वापस बोला भाई, वो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुका है। ए बटरफ्री दिखा दो अपना कमाल। अरे मुझे मारने दो, बटरफ्री मारो। ए ए ये गलत है, पहले मैं मारने वाला था, ये गलत है। गाइस क्योंकि बल्बासोर भी इंजर्ड है और जियोडूड भी इंजर्ड है, तो बस अब पिकाचू ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अरे लेकिन पिकाचू तो नींद में है। अरे पिकाचू थंडरशॉक अटैक, थंडरशॉक अटैक यूज करो मैग्नामाइट। पिकाचू तुम्हें जागना होगा हम सबके लिए, उस लेजेंडरी पोकेमोन के लिए। थंडरशॉक, यस पिकाचू यस। अरे बहुत बढ़िया पिकाचू, सुपर सोनिक अटैक मैग्नामाइट। और ये कैसा अटैक था, इसने तो पिकाचू को दिन में तारे दिखा दिए। पिकाचू हार मत मान, थंडरशॉक अटैक। अरे बहुत बढ़िया, मैग्नामाइट की दूसरे 1 एचपी रहती है। टैकल अटैक। अरे पिकाचू थंडरशॉक अटैक। अरे बहुत बढ़िया यस। अरे भैया जैसा आपने प्रॉमिस किया था हमें वो लेजेंडरी फॉसिल दो। अरे मैं तो लुट गया यार। ये लो बच्चे जोन सा लेना है तुम्हें, चुन लो। अरे दोस्तों कौन सा वाला ले? ओए मैं तो कह रहा हूँ वो राइट वाला ले लेते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, ये वाला राइट वाला चुन लेते हैं। हाँ शिनचान ये डोम फॉसिल ना मेरे को लग रहा है सही होगा। चलो जल्दी से ये वाला ले लेते हैं। दोस्तों हम जिस काम के लिए थे वो काम तो पूरा हो गया, चलो अब इस केव से बाहर चलते हैं। हाँ दोस्तों जल्दी से चलते हैं। रुको बच्चे। अरे तुम दोनों? मैं हूँ जेम्स। अरे यार फिर से? मैं तुम्हें बोल रही हूँ वो फॉसिल हमें दे दो। बच्चे दे दो, तुम्हारी भलाई इसी में है। मैं जेम्स भी कह रहा हूँ दे दो। हम क्यों दे भाई, हम कोई तुम्हारे नौकर है। म्याव, हमें पता है तुम्हारे पोकेमॉन्स में शक्ति नहीं है इस समय, हो जाए फाइट। अरे दोस्तों यार हमारे पोकेमोन्स में तो शक्ति नहीं है इस समय, अगर हम उन्हें लड़ाएंगे तो भाई वो मर सकते हैं। अरे लेकिन हमें जीतना ही होगा। जाओ विकंस, जाओ कॉफिंग्स। ओए ये है कौन सा पाद मारने वाला पोकेमोन है? शिनचान तूने बढ़िया की तूने ऑडिश और पिकाचू को भेजा, क्योंकि ये दोनों बहुत एक्सपीरियंस है और इनके अलावा बाकी सब में शक्ति भी नहीं है। पिकाचू के थंडरशॉक अटैक ने तो कॉफिंग्स की वाट लगा दी। ओए पद्दू वाला पोकेमोन करेगा भी क्या? कॉफिंग्स टैकल अटैक। अरे कॉफिंग ने तो ऑडिश की एनर्जी को बहुत कम कर दिया है। पिकाचू थंडरशॉक अटैक। ए ये एकंस तो गया। एकंस एसिड अटैक। पिकाचू एक और थंडरशॉक अटैक। ओए एक अंश गया। अरे दोस्तों बस अब ये कॉफिंग्स बचा है, इसको भी हरा दो। ऑडिश एसिड अटैक। अरे जैसी ये क्या, कॉफिंग्स के तो पाद ही छूट गए। पिकाचू थंडरशॉक अटैक। ओ यस हम लोग जीत गए। ए जीत गए हम लोग, बहुत बढ़िया। अरे हम लोग फिर हार गए। जेम्स भी हार गया, भी हार गया। लगता है टीम रॉकेट एक बार फिर से हार गई। यस दोस्तों हम लोग जीत गए, चलो जल्दी से इस टनल से बाहर चलते हैं। हाँ चलो जल्दी से चलते हैं। अरे दोस्तों ये कौन सा पोकेमोन है? ए ये कितना घटिया पोकेमोन है। दोस्तों हम लोग तो सेरुलियन सिटी में पहुंच गए, यहाँ के मैं जिम लीडर को हरा के रहूंगा। अरे यार दोस्तों गैरी तो हमें बस हराने ही वाला है। दोस्तों यहाँ के जिम लीडर तो बहुत ताकतवर है। तो गाइस अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही मत भूलना। हम लोग अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।